बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आप देख रहे हैं सीएस गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चल करो बात करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो चल रही थी बैंक स्टेटमेंट की, मींस कि मैंने कहा बैंक स्टेटमेंट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसी को हम डिस्कस करते हैं आगे। मेरे पास ये JW फॉर्म भी है। पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है 3-4 मिनट की, तो गला बैठा हुआ था। दोबारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भी गला वो नहीं है, क्योंकि मैं अभी बैठा हूँ रिदम में। जो चीज़ें मेरे माइंड में है मैं कहता हूँ एज पॉसिबल एज आई कैन आपके साथ डिस्कस करूं, ठीक है। तो इसको आप मजीद आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स अब चल रहे थे कि वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ये बैंक स्टेटमेंट भी उसी एक डॉक्यूमेंट्स के, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की ही एक कड़ी है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि मेडिकल जो है आपने वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। चाइना स्कॉलरशिप के लिए जो आप जा चाइना के लिए स्टडी वीज़े के लिए आएंगे, मेडिकल कोई शर्त नहीं है, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट्स जमा जब करवाने हैं उसमें सबमिट करवाने हैं जेरी ऑफिस में, मेडिकल आप नहीं सबमिट करवाएंगे, ओके हो गया। अगर आपके माइंड में है कि मेडिकल भी होता है, मेडिकल नहीं होता। वो कहाँ से करवाना है चाइना, उसके लिए करवाना भी है या नहीं करवाना, क्या सीन होता है वहाँ पे करवा के हैं, यहाँ पे वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता, चाइनीज अकोपेंचर सेंटर वाला, चाइनीज अकोपेंचर सेंटर कहाँ है, ये वो मैं आपको उस पर एक अलग सी वीडियो बन सकती है, क्योंकि 5-6 मिनट वो ले जाएगी। स्पेसिफिक उस पर वीडियो बनाऊँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि कन्फ्यूजन ना हो इसमें, ओके हो गया। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, बैंक स्टेटमेंट के लिए जो अगर चाइना के लिए अगर आपने आना है स्टडी के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, तो बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। कितनी चाहिए होगी वो कोई बड़ी बात, कोई ये नहीं है कि अब बैंक स्टेटमेंट मेरे पास नहीं है या इतने मेरे पास पैसे होते तो मैं यूरोप ना चला जाता, कि बैंक स्टेटमेंट ये वो लटरम पटरम आपके माइंड में जितने क्वेश्चन भी हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओके हो गया। अच्छा, इसके लिए जो दो मेन चीज़ें होती हैं वो JW फॉर्म और एडमिशन नोटिस, इन दो पे सारी चीज़ें आपकी डिपेंड कर रही हैं बैंक स्टेटमेंट की। तो ये यूनिवर्सिटी आपको जो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स भेजेगी, डॉक्यूमेंट्स पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, कैसे होंगे, उसमें क्या चीज़ें होती है डॉक्यूमेंट्स, बस इसमें दो डॉक्यूमेंट्स होंगे, JW और वीज़ा फॉर्म, बिल्कुल। तीसरा फॉर्म भी हो सकता है वो इंस्ट्रक्शन टाइप इस तरह कुछ हो, तो बाकी ये मेन डॉक्यूमेंट्स यही होते हैं। इन दोनों पे आपकी बैंक स्टेटमेंट डिपेंड करती है। अब जो एडमिशन नोटिस होगा उस पर लिखा होता है क्लियर कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप दी गई है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दी गई है, सिल्क रोड दी गई है, प्रोविजनल स्कॉलरशिप दी गई है, अंशु स्कॉलरशिप दी गई है, कोई भी स्कॉलरशिप आपको अगर दी गई है तो ये उस पर होगा। देखिए, अगर तो आपको CS स्कॉलरशिप मिली है, वो टाइप ए हो टाइप बी हो, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लिखा होगा आपके एडमिशन नोटिस पे, दैट मींस के वो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। इससे 2-3 साल पहले 2020 में ये पार्शल स्कॉलरशिप भी थी CSE, लेकिन वो भी थी फुली फंडेड। पार्शल मींस के फी जो है वो ट्यूशन फी आपकी यूनिवर्सिटी कवर करेगी, बाकी स्टाइपेंड जो है वो आपको CSE देगी, तो वो था, वो नहीं है। अब CSE की चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो आपकी फुली फंडेड है, दैट मींस के उसके लिए बैंक स्टेटमेंट की कोई अमाउंट की जरूरत नहीं है कि आपके पास स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कितनी होनी चाहिए वो मैं आगे जाकर चल के बताता हूँ, ताकि अभी कन्फ्यूजन ना हो। बाकी रही बात यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की, अब ये जो ये एडमिशन नोटिस की बात होगी उस पर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लिखा होगा, ठीक है, कि आप हम आपको चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, ऑल द एक्सपेंसिस विल बी कवर्ड बाई चाइनीज गवर्नमेंट, ये वो, ठीक है। अब यही जो JW फॉर्म होगा उस पर भी, जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको क्लियर कट करके दिखा सकूँ, यहाँ पे ये एक लिखा होगा, यहाँ पे आपको पता नज़र आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा ये, ठीक है, पता नहीं आप क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं, ये ट्यूशन फी और ये स्कॉलरशिप और ये सोर्स ऑफ फंडिंग यहाँ पे लिखा होगा, पता नहीं अजीब सा नज़र ना आ रहा हो, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी उस पर भी मैंने बाकायदा प्रूफ के साथ दिखाया था कि ये देखें यहाँ पे लिखा होगा फुल स्कॉलरशिप, ठीक है, फुल स्कॉलरशिप, ओके हो गया, तो नज़र आ रहा है यानी बरल मैं आपको, क्योंकि जनरल डॉक्यूमेंट्स मेरे वो हैं थोड़े से कॉन्फिडेंशियल हैं, ये नाम वगैरह पासपोर्ट ये वो साइन वगैरह, तो वो मैं आपको क्लियर को नहीं करा सकता बात की नज़ाकत को समझे, ठीक है। तो इस पे जो सोर्स ऑफ फंडिंग होगा ना, सोर्स ऑफ फंडिंग, ठीक है, इस पे JW फॉर्म पे उस पे होता है, 3-4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। पहला होता है कि फुल स्कॉलरशिप, ठीक है, दूसरा होता है पार्शल स्कॉलरशिप, और तीसरा जो है उसमें आ जाता है अदर, ठीक है, अदर। तो जो फुल चेक होता है, बॉक्स होता है उस पे चेक होता है, और चेक ऊपर नीचे हो सकता है, जो चेक होता है, चेक मींस के ऐसे चेक लगा होता है कि भाई इसको ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। जब फुल होगा दैट मींस के उसमें डॉर्मिटरी, ट्यूशन फी, स्टाइपेंड, लिविंग अलाउंस लिखा होगा, तो वो आपका कंप्रेहेंसिव मेडिकल, वो सारा कुछ जो है उसमें कवर होगा, ओके हो गया। अब जो होगी पार्शल स्कॉलरशिप, पार्शल स्कॉलरशिप में आप डिपेंड करता है कि उसमें आपकी क्या क्या चीजें कवर हैं, वो टिक जो बॉक्सेस बने होंगे ट्यूशन फी वाला और लॉजिंग वाला, ठीक है, लॉजिंग मतलब वही आपका डॉर्मेट्री, और उसके बाद मंथली लिविंग अलाउंस, इसमें चेक लगे होंगे भाई इसमें पार्शल में हम आपको ट्यूशन फी भी कवर करेंगे, उस बॉक्स पे भी चेक होगा, उसके बाद जो डॉर्मेट्री होगी उस पे भी चेक होगा, और जो लिविंग अलाउंस होगी उस पे चेक नहीं होगा, दैट मींस कि आपको स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ठीक है, ये पार्शल में आ गया, ओके हो गया। उसके बाद कंप्रेहेंसिव मेडिकल भी उस पे भी चेक नहीं होगा, अगर चेक हुआ तो दैट मींस कवर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब एक तीसरा ऑप्शन होता है अलग से,
फुल पार्शियल और अदर सोर्स ऑफ फंडिंग जो यहाँ पे लिखा होता है या फाइनेंशियल सपोर्ट जो लिखा होता है, तो वहां पे अदर पे भी चेक होता है। अदर पे जब चेक होगा दैट मीन्स के वो भी डिपेंड करता है कि स्कॉलरशिप आपको क्या दी जा रही है, कौन सी दी जा रही है, वो आपके एडमिशन नोटिस पे लिखा होगा, जो आपने एडमिशन नोटिस आपको यूनिवर्सिटी ने दिया होगा, यूसी स्कॉलरशिप का एडमिशन नोटिस पे आपका लिखा होता है, और सीएससी का भी समटाइम लिखा होता है एडमिशन नोटिस पे इतना इतना स्टाइपेंड है, इतना ये वो। अगर तो आपका स्टाइपेंड मेंशन है एडमिशन नोटिस पे, ये जेडब्ल्यू है एडमिशन नोटिस पे, अगर यहाँ पे सोर्स ऑफ फंडिंग लिखा होगा कि आपको कौन सी सोर्स ऑफ फंडिंग आपको कितनी है, ठीक है, कौन सी है, फुल है या पार्शियल है। अब ये जो फुल है, फुल स्कॉलरशिप, एक और ऑप्शन भी होता है जो यूसी स्कॉलरशिप का होता है, यूसी स्कॉलरशिप हो, आंसू हो या प्रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप हो, वो डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज वो उस पर भी फुल स्कॉलरशिप का ऑप्शन देती हैं, यूसी स्कॉलरशिप खा क्यों ना हो। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी पहले स्कॉलरशिप का ऑप्शन था, अब फुल स्कॉलरशिप उन्होंने मेंशन कर दिया है जेडब्ल्यू पे, जो हमारी प्रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप है। अगर तो फुल वाला आ गया जी, मीन्स कि आपकी फुल स्कॉलरशिप है, तो आपको यहाँ पे फुल स्कॉलरशिप का चेक है जेडब्ल्यू पे और एडमिशन नोटिस पे लिखा हुआ कि हम आपको इसको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, कोई अमाउंट नहीं होगी, वो कितनी चाहिए होगी, क्या सीन है वो मैं आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। मीन्स कि अगर बैंक फुल स्कॉलरशिप, फिर आपको 6-7 लाख 8 लाख की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होगी, वो कोई भी हो, हाँ कितनी हो क्या सीन है अभी बताता हूँ। अब अगर आपकी स्कॉलरशिप अकेला स्कॉलरशिप पे चेक है, फुल नहीं लिखा हुआ साथ, ठीक है, ये हालांकि ये बिल्कुल आम सी चीज है, ये क्या फुल और ये स्कॉलरशिप ये क्या है, क्योंकि ये वीजा के लिए जब आप जाते हैं जेआरआई ऑफिस, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, इसी पे ही सारी आपकी बैंक स्टेटमेंट डिपेंड करती है। तो ये जो स्कॉलरशिप का आपका है, ठीक है, स्कॉलरशिप लिखा हुआ है लेकिन एडमिशन नोटिस पे आपका जो है इधर स्कॉलरशिप है, फुल नहीं है, फुल पे चेक नहीं है, बस स्कॉलरशिप का वो लिखा हुआ है, आगे बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। वो अगर जो है, मैं इस पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूंगा, जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी बकायदा प्रूफ के साथ कि ये इस तरह बकायदा मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे बताया था कि अगर आपका इस तरह है तो वो आप कर सकते हैं, वो भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर याद आ गया तो उसको भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। तो स्कॉलरशिप का अगर चेक है और एडमिशन नोटिस पे लिखा होगा कि इसको हम इतनी स्टाइपेंड देंगे, इतना ये वो, फिर भी आपको 6-7 लाख की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होगी, ठीक है, फिर भी आपको बैंक स्टेटमेंट नॉर्मल चलेगी। ऐसे ही नॉर्मल क्या होता है वो अभी आगे चल के बताता हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना। इसके बाद जो पार्शियल होगी, पार्शियल तो डेफिनेटली उसके लिए 6-7 लाख जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको जरूरी होगी, उसकी कितनी कितनी साल की क्या अमाउंट होती है वो आगे जाकर मैं डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको क्लियर कर लूँ कि स्कॉलरशिप का क्या सीन होता है, ठीक है। अब ये भी हो गया, अब यहाँ पे आपका अदर पे भी चेक है, फॉर एग्जाम्पल सोर्स ऑफ फंडिंग आपका यहाँ पे अदर है, अदर पे चेक है, जैसे हमारा था 2019 में जो मेरा मसला बना था, मतलब के बैंक स्टेटमेंट का इशू था। तो अगर अदर का चेक है और एडमिशन नोटिस पे आपका लिखा हुआ है कि भाई हम ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है और इसको हम इतना स्टाइपेंड देंगे और फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तब भी आपको बैंक स्टेटमेंट की 6-7 लाख की अमाउंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी आपका चल जाएगा खाता, ओके, हो गया। अब एक और चीज भी होती है, अगर आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप है, ठीक है, वहां पे भी कोई लिखा हुआ है नहीं है, बस वहां पे लिखा हुआ है कि इसको हम ये सेंट्रल साउथ की या श्यान जो टोंग की यूनिवर्सिटी की या कोई भी स्कॉलरशिप है, हम इसको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, ये स्कॉलरशिप है, स्टाइपेंड मेंशन है या स्टाइपेंड मेंशन नहीं भी है, तो फिर भी आप जो है आपको स्टेटमेंट चाहिए होगी। अब करना क्या है इसमें, अगर इस तरह का कोई सीन है ना, तो आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी से बात करें कि भाई मुझे मेरी स्कॉलरशिप तो फुल है लेकिन आपने एडमिशन नोटिस और इस पर क्लियर नहीं लिखा हुआ कि फुल स्कॉलरशिप का कहीं जिक्र नहीं है, तो आप मुझे क्या एक सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं जिसपे मेरा ये लिखा हो कि दिस इज फुली फंडेड स्कॉलरशिप ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो यूनिवर्सिटी बना के भी देती है। तो अगर आपको वो बना के देती है और आप जमा करा देते हैं तो वो भी लेके जाते हैं, तो तब भी जो है बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होगी आपको 6-7 लाख की। ये आपको पता चल गया कि अगर तो जो सोर्स ऑफ फंडिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जिनकी मिलेगी ना जिनको, तो वो आपने ये चीज लाजमी चेक करनी है। तो सारी चीजें आपकी इस पे डिपेंड कर रही होती हैं, एडमिशन नोटिस और जेडब्ल्यू पे, ठीक है। अगर उसके बाद क्या सिनेरियोज बनते हैं वो जब मैं ग्रुप बनाऊंगा ना इंशाल्लाह, तो उसमें जो जो जिनके जिसका मसला होगा कि क्या कितनी कितनी स्टेटमेंट चाहिए, अब जब आप मुझे वो सेंड करेंगे प्रूफ कि भाई ये मसला है और ये इतनी इतनी मुझे स्टेटमेंट शो करा रहे हैं, या सॉरी इस ये लिखा हुआ है एडमिशन नोटिस पे, तो क्या मुझे कितनी स्टेटमेंट चाहिए, वो इंशाल्लाह जो मेरी चीज में मेरे माइंड में जो जो चीजें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा उस वक्त, ओके, हो गया। अब आते हैं कि स्टेटमेंट का क्या चक्कर होता है बैंक स्टेटमेंट। अगर तो आपकी जो स्कॉलरशिप है, ये जो स्कॉलरशिप मेंशन हुई है और फुली फंडेड नहीं है, तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट आपको पर ईयर के हिसाब से 6 लाख चाहिए होगी, ठीक है, जो जेरी की एक साल, मीन्स के आपकी 3 साल की मास्टर डिग्री है, तो आपको पर ईयर के हिसाब से 6 लाख जो है 18 लाख बन गई, तो वो आपको चाहिए होगी। लेकिन अगर आप कहेंगे ये क्या 18 लाख तो हमारे पास नहीं होंगे, फिर भी आप उनसे जाके बहस मुबाइसा कर सकते हैं जेरी ऑफिस में, भाई ये मेरी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है लेकिन यहाँ पे स्कॉलरशिप का लिखा है और ये वो सारी चीजें, मैं इतनी स्टेटमेंट कैसे करूँ, बैंक स्टेटमेंट लाऊँ, क्योंकि ये तो मेरी फुली फंडेड है लेकिन लिखना वो उन्होंने क्लियर वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा। तो इस तरह वो करके वो आगे, हाँ ठीक है 2-4 लाख 5 लाख वो आप शो करा दें तब भी आपका ओके है, फिर वो इस तरह भी मान जाते हैं, ओके, हो गया, इस तरह कम पे भी मान जाते हैं।
ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड सिनोनी। अब जो पार्शियल है, पार्शियल का तो डेफिनेटली आपको पर ईयर के हिसाब से, अगर आपकी 4 साल की पीआईडी पार्शियल है तो फिर आपको जो है 24 लाख जो है शो कराना होगा। ये पर ईयर के 6 लाख पिछले साल की बता रहा हूँ, इस साल वो इंक्रीज करते हैं मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि उससे पहले साल 4.5 लाख थी, फिर 5 लाख की थी, फिर 6 लाख कर दी थी अभी उन्होंने। अभी आने वाले दिनों में कितनी होती है वो फिर उनकी वेबसाइट पे या उनसे कॉल करके बंदा पूछ लेता, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली तो वो मैं आपके साथ शेयर उस वक्त कर दूंगा जो करंट उस वक्त चल रही होगी। बाकी जो सेल्फ वाले होते हैं वो सेल्फ वाले होते हैं, अदर जिनका स्टाइपेंड जो लिखा होता है स्कॉलरशिप फंडिंग, वो फिर एडमिशन नोटिस, और ये दोनों चीज़ें मैंने आपको कहा था ना लिंक है, ठीक है, एडमिशन नोटिस भी JW भी और ये बैंक स्टेटमेंट के साथ लिंक है, तो वो फिर 6 लाख के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट आपको पर ईयर के हिसाब से चाहिए होगी अगर आपकी पार्शियल स्कॉलरशिप है तो, ठीक है। अब वो डिपेंड 4 साल है वो आप 6 के साथ जरा भेजें पर ईयर के उसके साथ, अगर आपका कोई लैंग्वेज कोर्स है 1 साल का है, फिर आपको 6 लाख शो करानी होगी। अब आते हैं जिनकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, उनको बैंक स्टेटमेंट शो करानी है, कितनी करानी है वो मैं बता देता हूँ। देखें अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको है, वो क्या कहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, CSE स्कॉलरशिप है या आंसू स्कॉलरशिप है, अगर लिखा हुआ है फुली फंडेड स्कॉलरशिप का ऑप्शन, ठीक है, तो फिर जो है आपने क्या करना है, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी लेकिन उसमें अमाउंट मेंशन नहीं करनी, 20 रुपए हो, 1,000 हो, 2,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, 40,000 हो, लेकिन 5-10,000 आपकी बैंक स्टेटमेंट उसमें आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, ठीक है। आपके 10-15 हज़ार हो, 5,000 भी हो, 500 भी हो, 28 रुपए भी थी लड़कों की स्टेटमेंट, और बस ये है कि उन्होंने ये चेक जो करना है कि आपके पास स्टेटमेंट है कि वो ओके है। अब तो फुली फंड वालों का ये मसला नहीं है। अब आप कहते हैं मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, या था मेरा 3-4 साल पुराना था, मैंने तो यूज़ ही नहीं किया, मेरे तो वो थी, अब मैं यहाँ से बैंक स्टेटमेंट कहाँ से लाऊँ वो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप चले जाएँ, अभी चले जाएँ, आज ही अपने बैंक अकाउंट ओपन करवा लें। जिन जिनके हैं डोरमेंट हुए पड़े हैं वो भी डोरमेंट जो हुए पड़े हैं उनको भी जो है वो ओपन करवा लें, एक्टिव करवा लें। बस आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट ओपन करवा लेने हैं, अभी जाके न्यू अकाउंट ओपन करवाना है, न्यू करवा लें अकाउंट ओपन करवा के उसमें आपने ये अभी कोई 1,500, 2,000 इतना भी डिपॉजिट करवाना है उसमें डिपॉजिट करवा लें, मीन्स कि अपना अकाउंट ओपन करवा लें अभी से, उसमें आप डिपॉजिट करते हैं नहीं करते, ट्रांजैक्शन होती हैं नहीं होती, अब अकाउंट आपका एक्टिव फंक्शनल रहता है या नहीं रहता, डजंट मैटर, आपका अकाउंट ओपन है, ओके है। अब आप कहते हैं चलो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बैंक अकाउंट ये ओपन ये लेटर पटर मैं नहीं कर सकता, कैसे करूं, तो मैं क्या करूं, क्या जब ये वीडियो देखी जा रही होगी, जिस टाइम भी आप देख रहे हैं, मीन्स कि अगर आप वीज़ा लगवाने से 10 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो तब भी ये वीडियो आपके लिए, तब आपने क्या करना है, आपने बैंक जाना है, ठीक है, उसमें आपने, क्योंकि ये शर्त होती है बैंक स्टेटमेंट की, आपका अकाउंट 6 महीने पुराना होना चाहिए जो वीज़ा के लिए होती है, तो या आप कहते हैं 6 महीने अगर मैं अभी भी ओपन करवाऊँ सितंबर में जाना हो तो ये 6 महीने फिर भी पूरे नहीं बनते, तो फिर मैं क्या करूँगा, तो फिर आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आपका 6 महीने पुराना है अकाउंट, मतलब पिछले साल का है, फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर आपका नहीं है, फिर आपने क्या कराना होता है, एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है, उस सर्टिफिकेट का नाम क्या होता है कि पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट नाम उसका भूल गया है कि वो कौन सा सर्टिफिकेट होता है, बैंक वालों के पास जाते हैं कि भाई मुझे ये वाला सर्टिफिकेट बना दो, तो वो आपको फौरन बना देते हैं कि भाई उस पर ये लिखा होता है कि भाई ये अकाउंट इस स्टूडेंट का है, इस लड़के का है, इस बंदे का है और ये यूज़ कर रहा है इसे। अब उस लेटर का नाम मुझे नहीं याद कि वो लेटर कौन सा होता है, मुझे एग्जैक्ट भूला हुआ है कि उसको क्या कहते हैं, अथॉरिटी लेटर तो नहीं कहते, एक पता नहीं क्या है, जो भी है, मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में जो है मुझे याद आए तो मैं उस पर बता दूंगा, ठीक है, कि उस लेटर को क्या कहते हैं। वो आपने बैंक में जाना है, वो लेटर बनवा लेना है, अगर मींस के आपने वीज़ा ऑफिस में जाने से, जेरी ऑफिस जाने से पहले 1-2 महीने पहले आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया, ठीक है, उसके लिए फिर आपके अकाउंट में वो जो लेटर बनवाएंगे ना, उसकी ये होगा कि 6 महीने की जो शर्त होगी, ठीक है, 6 महीने की शर्त कि आपका 6 महीने पुराना अकाउंट नहीं है, तो वो शर्त खत्म हो जाएगी उस लेटर के साथ, वो जो लेटर होता है वो आप 10 दिन बनवाएं, या अगर आपने आज बैंक अकाउंट ओपन करवाया है ना, 4 दिन बाद आप वीज़ा लगवाने लगेंगे, वो लेटर आपके पास है और उसमें आपके 1,000, 2,000, 5,000 आपने उस बैंक में डिपॉजिट करवाए और वो डिपॉजिट करवा के आपने स्टेटमेंट ले ली, तो उस स्टेटमेंट पे फिर ब्रांच मैनेजर के आपके स्टैंप जो है, या उसका जो भी होता है ब्रांच मैनेजर हो कम से कम, या मैनेजर जो भी है बैंक का, उसकी आपने स्टैंप लगवा लेनी है, बस वो स्टैंप आपकी लग गई, दैट मीन्स के ओके है, बैंक स्टेटमेंट पे भी लगवा लीजिएगा। और वो जो लेटर होता है, उस लेटर को आप क्या कहते हैं, मुझे उसकी स्पेसिफिक टर्म भूली हुई है कि क्या कहते हैं, क्योंकि वो याद आ जाता तो अच्छा था, चलो उसको मैं डिस्कस कर दूंगा, अभी टाइम बहुत पड़ा है। तो वो आपके पास जब आ गया तो आप जाके वीज़ा लगवा सकते हैं, उसमें आपके 1,000, 2,000 डिपॉजिट हैं, 4,000, 3,000 ओके है। इसी तरह ये फुल वालों के लिए है, ये बैंक स्टेटमेंट की कोई लिमिट नहीं है कि आपके पास 6 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, नहीं, जितने भी हो, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 जितने भी आपके बैंक अकाउंट में हो ओके है,
चल जाएगा। तो ये फुल स्कॉलरशिप वालों को ये एज है। वो जो रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने आपको अकाउंट की बना दी, अभी आप जाकर अकाउंट ओपन करवा लें, अकाउंट ओपन करवा के उसको यूज करें या ना करें, हाँ बस ट्रांजेक्शन करते रहें, अभी कोई लोड वगैरह करते रहें, किसी को ट्रांजेक्शन वगैरह करनी है तो उसी से करते रहें ताकि आपका फंक्शनल रहे। तो ये जब आप 6 महीने के बाद स्टेटमेंट निकलवाएंगे वो 2-3 पेज आपके बन जाएंगे स्टेटमेंट के, तो तब भी ओके है। अगर ना भी करवाएं बस फंक्शनल रहे या फंक्शनल होना चाहिए जब आप जाएं तो तब भी ओके है। लेकिन अगर यही सिचुएशन सेल्फ वालों के लिए आती है या पार्सल वालों के लिए आती है, आप कहते हैं मेरे पास स्टेटमेंट तो पैसे तो हैं ठीक है, लेकिन मेरे पास अकाउंट नहीं है, या मैं किसी और का अकाउंट यूज कर सकता हूं, तो कर सकते हैं। वो भी एक नई वो डिस्कशन है कि किसका अकाउंट ओपन कर यूज कर सकते हैं, क्या क्या सीन है, क्या क्या, वो मैं आपको इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी 15 मिनट की वीडियो बन गई है। तो वो फिर अगर आपका किसी और का नहीं भी कर सकते हैं अकाउंट, आप कहते हैं मैंने अपना यूज करना है, तो तब भी आपके लिए भी यही शर्त है, आप जो है डिपॉजिट करवाएं जितनी अमाउंट है पार्सल के हिसाब से 6 लाख जितनी भी पर ईयर के हिसाब से, तो वो डिपॉजिट करवा के और उसके बाद वो लेटर आपने ले लेना है। अब लेटर मुझे वही भूला हुआ टर्म क्या है, वो आपने लेटर भी उनसे स्टैंप करवा लेंगे, और स्टेटमेंट भी, स्टेटमेंट जो है आप एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये जो HBL की एप्लीकेशन है वहाँ से स्टेटमेंट आप डाउनलोड हो सकते हैं PDF में, लेकिन उसको स्टैंप करवाना लाजमी है ब्रांच मैनेजर से, वो भी ओरिजिनल आपने सबमिट करवानी होती है वहाँ पे। अब ये भी होता है कि भाई मैं स्टेटमेंट जो है, या कोई इस तरह इशू बनता है आपका स्टेटमेंट आपको भूल जाती है बनवानी, या फिर आप कहते हैं या आगे पीछे हो जाती है, तो क्या जैसे HBL की ब्रांच है, मैं लैया से हूँ ठीक है, अब मैंने स्टेटमेंट बनवानी है इस्लामाबाद से, मैं इस्लामाबाद में गया बैठा हूँ, या मैंने एक मतलब वीज़ा लगवाया मेरा मसला बन गया, या मेरा नहीं हो सका, अब मैं वहीं पे हूँ, मुझे दोबारा स्टेटमेंट चाहिए। आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं स्टेटमेंट निकलवाने के लिए, स्टेटमेंट निकलवा के वहीं से उन्हें कहेंगे भाई मेरा जो है अकाउंट यहाँ पे है और ये फ्रॉम फ्रॉम ब्रांच में है, लेकिन मुझे स्टेटमेंट अभी चाहिए आज के दिन, तो स्टैंप लगा दे मुझे, तो वो ब्रांच मैनेजर स्टैंप भी लगवा सकते, किसी भी ब्रांच से आप स्टैंप लगवा सकते हैं स्टेटमेंट निकलवा के, कोई इशू नहीं है। ओके हो गया। अब बैंक स्टेटमेंट किसकी यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा क्या सिनेरियो होता है, कितनी स्टेटमेंट क्या कहते हैं उसमें है, सारी चीज़ें वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि 3 मुसलसल वीडियो मैंने बनाई है, अब ये वीडियो कल रिकॉर्ड करूंगा, कोशिश करूंगा, अभी के लिए ये 3 वीडियो काफ़ी है, तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह बने रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें बता, एक कोई मसला नहीं है, चाइना स्कॉलरशिप के लिए वीज़ा लगवाने के लिए कोई इशू नहीं है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन वीज़ा अगर लग गया तो ठीक है। वैसे एक्सेप्टेंस रेट जो है स्कॉलरशिप वीज़े का वो है 90-95% तक में तो वो वीज़ा लग ही जाता है, जिनका नहीं लगता वो सिनेरियोस हो सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, और ये भी जो बैंक स्टेटमेंट किस किस की यूज़ कर सकते हैं, और साथ ये भी बताऊँगा कि क्या कहते हैं जब स्टेटमेंट अगर आपके पास नहीं है या इस तरह कुछ, वो भी मैं थोड़ी बहुत चीज़ें कि आप उनके साथ बैसा कर सकते हैं, गुफ्त शनीद कर सकते हैं कि भाई इस तरह मेरी स्कॉलरशिप है, तो आप ब्राय मेहरबानी ये करें, इतने पैसे हमारे पास नहीं है कि हम स्टेटमेंट लगाएं, ये वो, तो वो भी मैं आपको एक्सपेक्टेड सिनेरियो उसके भी बता दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।